मैं यही कहांगा, मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र नूं बढ़ावा देण लई, किसानों के कल्याण लई बहुत सारे कदम चक्के ने पिछले 10 सालों च। हुण भी जो किसानों ने अपनी मांगा रखियां तो मोदी सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगा के उन्होंने बातचीत जारी रखी। कल भी जो चंडीगढ़ दूसरी टाइम बातचीत होनी शुरू हुई तो कई घंटे तक गलबात चली, वार्ता होती रही, किसान नेता विचों उठ के चले गए, मोदी सरकार के मंत्री कहते रहे बैठो बातचीत जारी रखो, पर छड़ के चले गए। हुण की कारण ने जिदे करके अगे हुण जिहड़े नवे नवे मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, यह मंग आई है कि व्यापार समझौते खत्म कर दिते जाण, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिते जाण, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन का हिंदुस्तान नूं हिस्सा नहीं रहना चाहिए, WTO चो बाहर हो जाइए। फिर यह कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए ने, यह कहते हैं इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल चो सानूं बाहर रखा जाए, पराली जलाने नूं जलवायु के अंदर ना जोड़िया जाए, कृषि क्षेत्र ना जोड़िया जाए, अनेकों मंगा नहीं जुड़ गई ने। जो नई मंगा जुड़ गई तो उदले समय भी तो होर चाहिए, बातचीत करने लिए राज्य समय भी चाहिए। असी यही क्या, असी बातचीत जारी रखने लिए तैयार हैं, मोदी सरकार चर्चा करनी चाहती है, बड़िया मंगा मान ली गई ने, अधिकतर मंगा मान ली गई ने, पर जोड़ी नवी मंगा या पहले दियाँ ने कई थोड़ा होर समय चाहिए वो जारी कर। मेरा प्रदर्शनकारियों यही निवेदन है कि कृपया करके तोड़फोड़ ना करो, आगजनी ना करो, हिंसा ना करो, कुछ ऐसा का काम ना करो जिदे नाल देश का नुकसान होवे, लोगों को तकलीफ होवे। देखिए सरकार की ओर से ये मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, इनके मसले हल करने के लिए भी तैयार हैं, हम कोई ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि कल को सरकार ये कहे कि हम तो इनको बुला रहे थे, इन्होंने हमारी बुलावा सदा प्रवान नहीं किया, वो हमने किया कि आइए भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, अपने सभी साथियों से अनुमति ली कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, सभी साथियों ने अनुमति दी, अनुमति देने के बाद अब हम बातचीत करेंगे, जिन अधिकारियों ने ये सदे का मैसेज हमारे पास पहुँचाया है उनसे बात करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि बातचीत चंडीगढ़ के अंदर ही हो, हम हमारी तो इससे भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि चंडीगढ़ को भी ना वहाँ भी ना हो, यहीं पे हो, यहीं कहीं इधर उधर जहाँ मोर्चा चलता है उसके आसपास कहीं पे बैठे, हाँ यही हमारी तो ये भावना है, लेकिन फिर भी सभी भाई जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।